हेलो डियर फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, लवर्स इन लिटरेचर, गुड मॉर्निंग। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अ पोएम डाबर बीच बाय मैथ्यू अनरोल्ड। आज हम डाबर बीच के पार्ट सेकंड के रूप में मैथ्यू अनरोल्ड की इस पोएम को चर्चा में लेंगे। आपको इस पोएम को टेक्सुअल, इसका अंडरलाइन मीनिंग हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम इस पोएम को हम पार्ट फर्स्ट में इसकी स्ट्रक्चरल इंफॉर्मेशन और थीमेटिक इंफॉर्मेशन हम डिस्कस कर चुके हैं। आपसे हमारा बार बार निवेदन ही रहता है कि यदि आप किसी एकेडमिक एग्ज़ाम के पर्पस से इस पोएम को तैयार करते हैं, या कॉम्पिटिटिव पर्पस से, या फिर अन्य एज ए लवर ऑफ लिटरेचर आप इसे समझते हैं और समझाते हैं, तो आपसे निवेदन ही रहेगा कि आप वीडियोस को पूरा देखें, टेक्सुअल लाइंस को आप साथ में रखें, ताकि आपको ये अच्छी तरह से समझ आ सके। और वीडियोस को पूरा देखें और कमेंट के द्वारा हमें ये बताएं भी सही कि आपके लिए कितना हेल्पफुल है, हमारा प्रयास कितना यानी सराहनीय है। कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारा मन, हमें संबलन मिलेगा आपके यानी कमेंट से। तो चलिए हम बात करते हैं। इस सेकंड पार्ट को हम हिंदी यानी जो है ट्रांसलेशन और अंडरलाइन मीनिंग पैराफ्रेजिंग करके समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि हमने फर्स्ट पार्ट में इस कविता के स्ट्रक्चरल यानी जो है पार्ट को डिस्कस किया, और उसमें हमें समझ आया कि कविता बेसिकली चार यानी स्टेंजाज में है। स्टेंजाज इरेगुलर है, इनमें चूंकि आपकी जो लाइन्स है ये लाइन्स सर्टेन नहीं है। ये आपकी पहला जो स्टेंजा है उसमें 14 लाइन है, दूसरा जो स्टेंजा है उसमें आपकी 6 लाइन है, थर्ड रन्स विद 8, थर्ड में 8 है और आपके फोर्थ में 9th है। टोटल इस पोएम में 37 यानी लाइन्स हैं और 4 स्टेंजाज हैं। चारों स्टेंजाज में अलग अलग आपकी जो है थीम्स हो यूज़ हुई है, और उनको फिर एक साथ हम यानी जो है समझने का यानी प्रयास करते हैं। क्योंकि ये जो पोएम है, इस पोएम को यदि हम बेसिकली लेते हैं, इसके लोकेशन की बात करते हैं, तो हम इसके टाइटल में देखते हैं डाबर बीच। ये वर्ड हमें क्लियर करता है, डाबर इज ए प्लेस, डाबर इज ए फॉरेस्ट एंड बीच शी शोर। दीज टू वर्ड्स क्लियर, वेरी क्लियर कट, हमें बिल्कुल आइडिया मिलता है कि डाबर डाबर वहाँ एक फॉरेस्ट है, एक जंगल है, और बीच यानी सी शोर यानी जो है आपका रिसोर्ट है। डाबर के बारे में इंग्लैंड में या इन इंग्लिश लिटरेचर में ये कहा जाता है कि ये वो स्थान है जो रिलीजियसली यानी टू रिकवर फ्रॉम इंसैनिटी एंड इन various literature and the educationist regard that it was the place where Lear, King Lear, how he recovered from his insanity। और ये भी कहा जाता है साहित्य में कि ये वही स्थान है जहाँ किस तरह से Lear अपना वो जो दुर्दशा का जो पीरियड था उस समय यहाँ यानी रिकवर हुआ, और ये अपना धार्मिक यानी जो है स्थान रखता है, अपना इम्पोर्टेंस रखता है। ये कहा जाता है कि ये वो स्थान है, ये वो रिस्टोर्ड है जहाँ पर कभी हनीमून के लिए यानी गया था, एंड वाज स्टेइंग,
इन ए रिसोर्ट, और उस रिसोर्ट में यानी जो है कवि रुका हुआ है। बाहर यानी जो है शाम का समय है और कवि बाहर के नज़ारे को जब देखता है, बाहर के नज़ारे जब नज़ारता है तो मौसम जो है, वातावरण जो है उस पर नज़र पड़ती है और कवि को आइडिया मिलता है। और कवि समंदर के यानी अंदर जो उथल पुथल हो रही है, लहरों का यानी आना और किनारों से टकराना, लहरों के साथ कंकड़ पत्थर यानी चले आना, कर्कशी आवाज़ करके चले आना और फिर लहरों के साथ यानी वापस जाते समय ये छूट जाना, ये दृश्य कवि को मानव जीवन के अप्स एंड डाउन्स, मानव जीवन के उतार और चढ़ाव को, सुख और दुख को याद दिलाता है। और कवि अपने दार्शनिक तरीके से अनेकों रेफरेंसेस के द्वारा कवि बात करता है। आइए हम पहले स्टेंजा को लेने का प्रयास करते हैं और पैराफ्रेजिंग और अंडरलाइन मीनिंग के द्वारा हम समझें। नाउ कम विद मी। पोइट स्टार्ट्स, द सी इज काम टू नाइट। लोकेशन सेटिंग ऑफ द पोयम, कविता की जो सेटिंग की बात कर चुके, किस तरह से कवि स्टैंडिंग एट द सी शोर रिसोर्ट वेयर ही वाज स्टेइंग एंड हैविंग ऑब्जर्वेशन ऑफ द एटमोसफियर इन द नाइट। व्हेन ही ऑब्जर्व्स, व्हेन ही ग्लिम गोट द ग्लिम्सेज ऑफ द स्काई, द मूवमेंट इन द सी, एंड पोइट स्टार्ट्स टू से, कवि कहता है द सी इज काम टू नाइट। समंदर शांत है आज रात, समंदर शांत है। वन थिंग इज ऑल्सो टू बी डिस्कस अबाउट दिस पोएम, एक और हम बात ध्यान रखें इस पोएम के बारे में। इट इज रिगार्डेड ड्रामेटिक मोनोलॉग बट there is no face-to-face listener in this poem. Then what type of dramatic monologue is to be regarded? इस कविता में तो ड्रामेटिक मोनोलॉग की जो रिक्वायरमेंट है कि एक स्पीकर होगा एंड म्यूट लिसनर होगा, यहाँ लिसनर हमें नज़र नहीं आता। देन क्वेश्चन अराइजेज, हु इज दिस लिसनर? Very first, the listener public, we readers. And secondly, when we try to take or deal this poem setting and the location, as we discuss that poet was on honeymoon, probably his beloved with him, but even she is not sitting face to face. So it is regarded interior dramatic monologue. This poem is a dramatic monologue. And what type of monologue? Interior dramatic monologue. And a poet addresses the listeners. Now clear? Who are the listener? Very first, readers with the public. And secondly, his beloved. Probably staying with him, but she is not face to face, she is not sitting face to face and listening what poet is uttering. So it is in the list of interior dramatic monologue. Poet says, the sea is calm tonight, the tide is full, the moonlight fair. Tide is full, tide means a storm, तूफान, तूफान उठा है। द मून लाइज फेयर, और चांद बड़ा सुंदर है। हियर फेयर, फेयर मीन्स ब्यूटिफुल, ब्यूटिफुल मीन्स शाइनिंग विद इट्स फुल ब्राइटनेस। एंड अपॉन द स्ट्रीट्स,
On the French coast, the light gleams and is gone. The cliff of England stand. And then poet says, upon the state, a state means the channel, English channel, and how the brightness of the moon, starts to go to scatter one place to another, and how it goes, it lingers over the British Channel on the French coast, the light, and it also shines upon the French coast, gleams and is gone, then disappears. Glimpse means signs, and is gone, the cliff of England stand, and now it throws its brightness upon the cliffs of England. Here in this stanza, when we try to go to its underlying meaning, it is in symbolic approach. And when poet says that the gleams and is gone, the cliffs of England stand, that means the revolution. Because in the next stanzas, poet is going to reveal the tragedy of the contemporary era. Here, geographically, poet mentions how the beautiful nature is, but we the human by nature have changed. So, the revolution very first appeared in France, and then it appeared in England. Probably such a revolution, poet here reminds, and come to the window, sweet is the night air. Here when poet says come to the window, it is imperative sentence. Probably poet invites to someone to come at the window. And the question arises, to whom poet invites? Probably his beloved staying in that resort. And how poet was on the roof, and he invites her to give company, and he invites, come to the window, sweet is the night air, aaj raat hawaein bade sundar hai, khidki ke paas aa jao, only for the long line of spray. And here the beauty is scattered in nature. When the waves runs to the sea coast, sea shore, how they spray the coast, they spray the shore, and it seems as if they are washing the face of the sea, washing the face of the earth, and it is over glorified. So poet here invites her. Here in probability, there is no certainty to whom poet is addressing. Probably when his beloved staying with him, and it must be she, and poet invites her to come to the window to have the glimpses of that atmosphere. Where the sea meets the moon blanched land, and the place where the sea meet means the shore,
and the moon blanched land. That means here means the moon is shining, moon throwing its brightness full of whiteness. And he also addresses listen, you hear the grating roar. Here poet addresses his companion, probably his sweetheart, and emphasizing, what do you see? Do you hear the grating roar of the sea? Means when sea moves in waves to the shore, to the coast, and how jab samandar mein lehrein uthti hai aur lehrein kinare tak pahunchti hai, to lehron ke pressure ke sath kaise kankad patthar aawaz karte, yani kinare tak pahunchte hain, takrate hain. Apni priyasi ko sambodhit karte hue kehta hai, सुनो, क्या तुम सुन रही हो? ओ पेबल्स, वाइल विच द वेव्स ड्रा बैक एंड फ्लिंग. और किस तरह से लहरें कंकड़ पत्थर अपने साथ ले जाती है और उन्हें वापस आते वक्त छोड़ देती है. फ्लिंग मीन्स लीव थ्रो, यानी छोड़ देना. इसका मतलब ये हुआ, यहाँ हम यदि इन पोएम्स की लाइंस को लेंगे तो ट्रांसलेशन इज नॉट पोइट्री. हम कितनी बार आपसे वीडियोज़ के माध्यम से बात करते हैं दैट लिटरेचर इज नॉट जस्ट ट्रांसलेशन, ट्रांसलेटिंग इज नॉट लिटरेचर, इट्स अंडरलाइन मीनिंग, सिंबॉलिक मीनिंग एंड इट्स अप्रोच आर टू बी रिगार्डेड. इसका जो अंडरलाइन मीनिंग है, इसका जो सिम्बोलिक मीनिंग है, उसे हम लेंगे तभी पोइट्री का पूर्ण अर्थ यानी निकल पाएगा. यदि हम केवल ट्रांसलेशन करते हैं तो ट्रांसलेशन पर्याप्त नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा. शायद हमारा जो साहित्यकार जो कहना चाहता है, जहाँ पहुँचना चाहता है, वहाँ हम नहीं पहुँच पाएंगे. तो यहाँ कवि जीवन के अप्स एंड डाउन्स की बात करता है. जब कवि कहता है कि क्या तुम्हें सुनाई देता है कि लहरों के साथ कंकड़, जो लहरों के साथ किनारे तक पहुँचते हैं, प्रेशर से आवाज़ करते हैं, और किस तरह से लहरें जाते समय इन कंकड़ पत्थरों को छोड़ जाती है, दैट मीन्स अप्स एंड डाउन्स ऑफ लाइफ. यू नो प्रोबेबली दीज लाइन्स रन्स इन द अफर्मेटिव ऑफ शेक्सपियरोलॉजी. शेक्सपियरोलॉजी, शेक्सपियर इन इज ड्रामा एंड इन इज ड्रामा ही सेज व्हाट इज लाइफ. लाइफ अ टेल टोल्ड बाई एन इडियट. Life a tale told by an idiot full of sorrow and fury signifying nothing. Probably poet wants to opine such philosophy. शायद कवि इस तरह की बात करना चाहता है. एंड आगे कवि अपनी बात को बढ़ाते हुए कहता है कि किस तरह से एट the Aegean up the stand begin and siege and then again begin. किस तरह से जीवन में परेशानी आती है, आकर चली जाती है, और फिर यानी जीवन में इस तरह से आना जाना चला रहता है, आना जाना बना रहता है. कभी खुशी और कभी गम, जीवन के दो यानी जो है पार्ट हैं. ये कवि समंदर की इस गतिविधि, द मोशन द मोमेंट ऑफ द सी,
समंदर के इस मोमेंट के द्वारा कवि बताना चाहता है, अपना यानी नेचुरल इमेजेस के द्वारा कवि जीवन का दर्शन यूनिवर्सिटी बताना चाहता है। थॉमस हार्डी आल्सो डिफाइंड द लाइफ एंड अबाउट द व्यू पॉइंट ऑफ द हैप्पीनेस। ही आल्सो सेज हैप्पीनेस अ गस्टो इन द ड्रामा इन द ह्यूमन ड्रामा फुल ऑफ ट्रेजेडी। किस तरह से कहने का प्रयास किया, खुशी क्या है, खुशी एक लम्हा है जीवन रूपी यानी त्रासदी, जीवन रूपी यानी जो है नाटक में खुशी तो एक लम्हा है, आना जाना है। और उसी चीज़ को कवि ने बताने का प्रयास किया, विद अ ट्रेमेंडस कैंडेंस स्लो एंड ब्रिंग द इंटरनल नोट ऑफ सैडनेस इन। लास्ट में ये लाइन से सस्टेन जाए कि ये बताती है इंटरनल नोट ऑफ सैडनेस इन, जो हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से शेक्सपियरोलॉजी में ये बताया कि जीवन दुखों से भरा है। जीवन का यदि हम सिग्निफिकेंस निकालने का प्रयास करते हैं तो सिग्निफिकेंस निकलता है नथिंग। इस पहले स्टेंजा में कवि ने नेचुरल इमेजेस के द्वारा यूनिवर्सिटी को बताने का प्रयास किया। कवि जब अपनी प्रेयसी को या कवि जब लिसन और कवि जब वर्ड का प्रयोग करता है कम टू द विंडो, दैट मीन्स वाट पोइट फील्स, हाउ पोइट इज फीलिंग, ही वांट्स टू हैव द कंपनी ऑफ द वर्ड, वेदर दे आर एबल टू थिंक एज पोइट थिंग्स। कवि ने ये प्रयास किया कि जिस तरह से कवि महसूस करता है दुनिया के बारे में, क्या दुनिया ऐसा महसूस करती है, एंड पोइट इन्वाइट्स देयर अटेंशन यूजिंग द एप्लीकेशन नेचुरल इमेजेस, और नेचुरल इमेजेस के माध्यम से कवि ने बताने का प्रयास किया। ये पहला यानी जो स्टेंजा है। अब आपका सेकंड स्टेंजा जो सिक्स लाइन का है, कवि ने जो महसूस किया, क्या महसूस किया, कि जीवन ट्रेजेडी है फुल ऑफ सोरो एंड अ फ्यूरी सिग्निफाइंग नथिंग। और इसके रेफरेंस में पोइट मेंशंस ग्री ट्रेजेडियन एक ड्रामेटिस्ट को यानी जो है फॉलो करता है, उसको मेंशन करता है। और कवि ये कहना चाहते हैं कि सोफोक्लीज लॉन्ग एगो, सोफोक्लीज द ग्रेट ड्रामेटिस्ट ऑफ एंशियंट एरा ग्रीस, ट्रेजेडियन एंड हाउ ही हर्ड इट ऑन द एजियन एंड इट ब्रोट इनटू हिज माइंड द टर्बिड एब एंड फ्लो। ग्रीस के यानी इस कवि ने, इस नाटककार ने, इस यानी ट्रेजेडियन ने ये सब महसूस किया। क्या महसूस किया, मींस उसने क्या दर्शन दिया, उसका दर्शन है या है इन टू हिज माइंड, उसके मस्तिष्क में, उसके विचारों में, उसका जीवन का निचोड़ क्या निकला, द टर्बिड एब एंड फ्लो। एब एंड फ्लो ज्वार एंड भाटा, यदि हम नेचुरल बात करें और ज्वार और भाटा को यदि जीवन से जोड़ें, जीवन दर्शन से, तो ज्वार और भाटा से तात्पर्य यहाँ पर है जीवन के उतार और चढ़ाव। जीवन के उतार और चढ़ाव यानी सुख और दुख, इसकी यानी जो है कवि बात कर रहा है, होप एंड डेस्पेयर की कवि बात कर रहा है। सोफोक्लीज ने कैसे यानी महसूस किया, ऑन ह्यूमन मिजरी, मानव त्रासदी, ऑफ ह्यूमन मिजरी वी फाइंड आल्सो इन द साउंड
thought, hearing it by this distant northern sea. कवि वहाँ खड़ा यानी इंग्लिश चैनल से वहाँ खड़ा ये पाता है कि हम आज यहाँ मीन्स इन इंग्लैंड एज इन ग्रीस सोफोक्लीज जिस तरह से यानी ग्रीस के सोफोक्लीज ने महसूस किया आज हम यहाँ ये महसूस करते हैं और क्या महसूस करते हैं ये महसूस करते हैं कि जीवन सुख और दुख से भरा है जीवन यानी जो है सुख और दुख का एक यानी प्रतिरूप है जीवन का लाइफ इज द टू साइडेड कॉइन जीवन एक दो यानी जो है साइड दो यानी जो है हिस्सों वाले जो है सिक्के की तरह है जिस प्रकार से दोनों यानी जो है साइड्स का इम्पोर्टेंस है लाइकवाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ दीज टू होप एंड डेस्पेयर ये इस तरह से यानी जो है कवि इसमें बात करता है थर्ड स्टेंजा हियर द सी हैज बीन पर्सोनिफाइड पोइट स्पीक्स वेरी मेटाफोरिकली और थर्ड स्टेंजा में कवि बड़ा मेटाफोरिक तरीके से बात करता है समंदर को पर्सोनिफाइड किया द सी ऑफ फैद विश्वास का समंदर विश्वास का समंदर मीन्स क्या हुआ दैट अर हार्ट मीन्स ह्यूमन हार्ट वाज फुल ऑफ फैद मानव हृदय विश्वास से परिपूरित था एंड वी वंस टू एट द फुल एंड राउंड अर्थ शोर और किस तरह से चारों ओर भाईचारा था वाज वंस व्हेन पोइट यूजेस वंस जब कवि ने वंश का प्रयोग किया तो इसे ये पता लगता है नाउ फैद इज नो मोर इट वाज इट हैज बिकम हिस्ट्री ये इतिहास बन गया इतिहास का यानी जो हिस्सा बन गया कि अतीत में इन अर एंशियंट पीरियड हमारे एंसेस्टर्स एंशियंट पीरियड हाउ देयर हार्ट्स फुल ऑफ फैद हाउ वी हैड फैद टू ईच अदर बट व्हेन पोइट अप्लाइज और यूजेस वंस दैट मीन्स नाउ फैद इज नो मोर और कवि का ये तात्पर्य रहा टू एट द फुल एंड राउंड अर्थ सो चारों ओर मीन्स समाज में चारों ओर यानी विश्वास था एक दूजे का हम विश्वास करते थे ले लाइक दे फोर्ट्स ऑफ अ ब्राइट गर्डल और फर्ड यहाँ कवि ने पहली बात सिमिली का प्रयोग किया फिर पोइट ने यहाँ एलिट्रेशन का भी प्रयोग किया यहाँ वर्ड ये यूज हुआ गर्डल और फर्ड गर्डल मीन्स आपका राउंड वैसे डिक्शनरी मीनिंग आप लेंगे तो यानी इसका होगा यानी कमरबंद मीन्स यानी यहाँ मीनिंग है राउंड फर्ड फैला हुआ मीन्स धरती पर मीन्स दुनिया में चारों ओर जिस तरह से पृथ्वी पर चारों ओर यानी नेचुरल बेल्ट बनी हुई है ऐसा समाज में सब और चारों तरफ हम में विश्वास था हम में भाईचारा था बट नाउ आई ओनली हियर इट्स मेलेंकली लेकिन कवि क्लियर करता है नाउ नाउ मीन्स टुडे वंस वंस मीन्स पास्ट एंड नाउ नाउ मीन्स टुडे हियर फैद इज नो मोर इन प्रेजेंट फैद इज नो मोर एक्चुअली द
कंट्रास्टिंग वर्ल्ड द कंटेम्प्रेरी एरा विक्टोरियन एरा, विक्टोरियन जो एरा है उस समाज की विडंबना को कवि बताना चाहता है। इट वॉज द एज ऑफ साइंस, ये साइंस का युग आ गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन, और इंडस्ट्रियलाइजेशन होने की वजह से यानी कंटेम्प्रेरी जो लोग हैं वे ज़्यादा से ज़्यादा यानी सोफिस्टिकेटेड हो गए और यानी मटेरियलिस्टिक हो गए। सो द वैल्यू ऑफ द सोल, द वैल्यू ऑफ द हार्ट, यानी आत्मिक, यानी जो हमारी परंपराएं, हमारे जो कस्टम्स है वो अपना स्थान यानी छोड़ने लगे, और इट इज़ द ट्रेजेडी ऑफ द प्रेजेंट। पोइट रियलाइजेज मेलंकली लॉन्ग विद ड्राउन रोर रिटर्निंग टू द ब्रीज, और चारों ओर ये समाज की यानी विडंबना लगती है। ऑफ नाइट विंड डाउन द वास्ट एज डियर एंड नेक्ड सिंगल्स ऑफ द वर्ल्ड, जब समंदर की लहरें अपने साथ कंकड़ पत्थर ले जाती है और पुनः लौटते समय उन्हें छोड़ देती है, और वे यानी नग्न, नेक्ड मीन्स यहाँ यानी जो है वे कुरूप दिखाई देते हैं, पानी से कवर्ड होने की वजह से, इन द हार्ट ऑफ द सी कवर्ड होते हैं, लेकिन किनारे छोड़ देने के बाद वो नेक्ड दिखाई देते हैं। यहाँ इन नेचुरल इमेजेस के द्वारा कवि मानव हृदय की बात करता है, मानव समाज की बात करता है। यदि हम में द मिल्क ऑफ ह्यूमैनिटी, मानवीय भाव जब हम में नहीं रहेंगे, मनुष्य में नहीं रहेंगे, तो इट्स जस्ट अ नेक्ड वन, तो इसके सिवाय वो कुछ नहीं है। पॉइंट थ्रू द नेचुरल इमेजेज, प्राकृतिक यानी जो है इमेजेज के माध्यम से मानवीय बद्धेपन को बताना चाहता है, मानवीय यानी हृदय की कुरूपता को बताना चाहता है। एंड नाउ द लास्ट स्टेंजा, मित्रों बच्चों, लास्ट स्टेंजा जो है कवि इस स्टेंजा में सॉल्यूशन बताना चाहता है दुनिया की बीमारी का। दुनिया बीमार है, और बीमार कैसे, कि हमारा मानव समाज जो विश्वास रूपी समंदर था, जो भरा हुआ था, दैट मीन्स हमारे हृदय यानी फुल थे, भरे हुए थे, अब वो विश्वास नहीं रहा, वो प्रेम नहीं रहा। पॉइंट हियर सजेस्ट द सोल सॉल्यूशन ऑफ सच रेमेडी, द वर्ल्ड रेमेडी, दुनिया की इस बीमारी का, इस यानी बीमारी का इलाज कवि बताता है, और वो क्या है, आहा लव लेट अस बी ट्रू, लव इज द सॉल्यूशन, आहा लव दैट मीन्स लेट अस लव टू ईच अदर एंड वी शुड बी ट्रू टू ईच अदर, आओ हम एक दूजे को प्यार करें, आओ हम एक दूजे के प्रति निष्ठा रखें, हम एक दूजे का विश्वास करें। कवि ने दुनिया की यानी इस त्रासदी का इलाज बताया कि हम यानी ये टू वन अनादर फॉर द वर्ल्ड विच सीम्स टू लाई बिफोर अस लाइक अ लैंड ऑफ ड्रीम्स। कवि इन पंक्तियों में कहता है कि हम एक दूजे का विश्वास करें, हम एक दूजे को प्यार करें, ये दुनिया जो सपनों की दुनिया है, वर्ल्ड ऑफ ड्रीम्स द ड्रीम लैंड, हम जब दुनिया के नज़ारे देखते हैं, इस प्राकृतिक छटा को देखते हैं, दुनिया के करिश्मों को देखते हैं, बाई ओमनीपोटेंट ओमनीपोटेंट पावर, तो हमें ये समझना पड़ेगा कि ये सपनों की ये हसीन दुनिया जो है, इसे हम यानी बरकरार रखें, इसमें हम प्यार भरें। सो वेरियस, सो ब्यूटीफुल, सो न्यू,
बहुत सुंदर, कितनी सुंदर दुनिया है, कितनी यानी न्यू और कितनी विविध दुनिया है। हम दुनिया के नज़ारों को देखते हैं तो हमें यानी उस ओमनीपोटेंट पावर के करिश्मे को, हम उसके मैजिक को, उसके यानी जो है जादू को हम जब समझने का प्रयास करेंगे, हैज रियली नीदर जॉय नोर लव नोर लाइट। और कवि ये महसूस करता है कि आज इस विस्मयकारी दुनिया में, इस मिरेकल वर्ल्ड क्रिएटेड बाई द गॉड, बाई द मास्टर ऑफ दिस यूनिवर्स, उस दुनिया के बादशाह के द्वारा विस्मयकारी दुनिया, जादूगरी उसकी जो है हमें चारों तरफ दिखाई देती है। लेकिन वर्तमान में त्रासदी यह है दुनिया की कि न तो यानी हम में एक दूसरे के प्रति यानी एटीट्यूड वफादारी है, नॉर पीस न शांति है, नॉर हेल्प न एक दूसरे के प्रति दया है एंड फॉर पेन, और न हमें कहीं यानी दिशा है, नॉर लाइट नॉर जॉय खुशी है एंड नॉर लव और न एक दूसरे के प्रति प्यार है। एंड वी आर हियर एज ऑन द डार्कलिंग प्लेन। हियर इन दिस लाइन्स ए पोइट रेफर्स द वर्ल्ड ट्रेजेडीज एंड व्हेन वी कम टू द ट्रेजिक आइडिया ऑफ रुस्तम एंड सोहराब, इट विल बी वेरी इनफ टू मैंशन हियर। यहाँ यदि हम रुस्तम और सोहराब, द आइडिया हैज बीन टेकन फ्रॉम शाहनामा बाई फिरदौसी, शाहनामा फिरदौसी के द्वारा उस ट्रेजेडी में से मैथ्यू अनरोल्ड ने जो लिया और उसको जो कवि ने अपनी कविताओं का पार्ट बनाया, ये पर्याप्त होगा। कवि कहता है एंड वी आर हियर एज ऑन द डार्कलिंग प्लेन। आज हम ऐसा लगता है जैसे डार्कलिंग, डार्क से बना वर्ड डार्कलिंग एडजेक्टिव है, और यानी अंधियारी धरा पर जैसे हम स्वेप्ट विद कन्फ्यूज अलार्म ऑफ स्ट्रगल एंड फ्लाइट, वेर इग्नोरेंट आर्मीज क्लेश बाई नाइट। वेन वी कम टू दिस ट्रेजिक रेफरेंस यू हैव गॉन थ्रू, आई थिंक द ट्रेजेडी ऑफ रुस्तम एंड सोहराब, आपने रुस्तम एंड सोहराब वाली ट्रेजेडी पढ़ी होगी, सुनी होगी, किस तरह से सोहराब किल्ड बाई हिज ओन फादर रुस्तम एंड लाइंग ऑन ब्लडी सैंड, और किस तरह से यानी जो है ब्लडी सैंड पर लेटा है, उसका जो सिर है वो रुस्तम के यानी जो है पैरों पे घुटनों पे रखा है, एंड ही इज पेंटिंग फॉर द क्राइम कमिटेड बाई हिम बाई किलिंग हिज ओन सन, एंड इट वॉज ड्यू टू द कन्फ्यूजन। और रुस्तम के द्वारा अपने ही बेटे को मारा जाना युद्ध स्थल में, यानी सारा रेगिस्तान रक्त से सना है और उसका सिर अपने यानी जो है घुटनों पर रख कर वो स्वयं यानी रो रहा है। क्यों ऐसा हुआ? बिकॉज दीज बोथ वर इन कन्फ्यूजन, दे डिडेंट नो फादर एंड सन्स रिलेशन, देयर होली रिलेशन। लाइक वाइज हियर द कंडीशन ऑफ द वर्ल्ड, और इसी तरह से इस दुनिया की स्थिति हो रही है। कवि ने कविता के अंत में एक बहुत ही यानी जो अच्छे यानी दृष्टांत के द्वारा क्या कह रहा है, स्वैप्ट हमारी दुनिया की स्थिति ऐसी हो रही है कि युद्ध स्थल में रात में एक मिस्चीव अस बॉय, एक शैतान यानी लड़का
आवाज लगाकर भागता है, अटैक अटैक अटैक, सेव सेव, बचाओ बचाओ, आक्रमण आक्रमण, ये कहकर वो शैतान बच्चा, वो लड़का भागता है। और दोनों टेंट की यानी सेना ये जाने बिना हु एंड अपॉन होम, किसे ने और किस पर आक्रमण किया, वे दे स्टार्ट टू फाइट, दे स्टार्ट टू किल ईच अदर्स, एक दूजे को मारना स्टार्ट करते हैं। एंड विद द फर्स्ट रे ऑफ द सन दे रियलाइज दैट दे वर किलिंग देयर ओन किड्स एंड किन्स। और सूर्य की प्रथम किरण के साथ उन्हें ये महसूस होता है, उन्हें मालूम होता है कि वे स्वयं अपने ही गोते नाते अपने ही स्वयं के परिजनों को मार रहे थे। पोइट हियर सेज दैट वी आर कंफ्यूज्ड ऑन द डार्कलिंग प्लेन, हम मानव अपने होली रिलेशन को भूल चुका है। एंड कंफ्यूज्ड वी हैव फॉरगॉटन आवर होली रिलेशन। होली रिलेशन इज दैट वी आर किच एंड कीन ऑन द बेसिस ऑफ क्रिश्चियनिटी, ऑन द कंसेप्ट ऑफ होली बाइबल। होली बाइबल के अकॉर्डिंग यदि हम बात करते हैं तो किस तरह से हम यानी एक पवित्र यानी रिश्ते से बंधे हैं, हम हमारे ही गोते नाते वाले को यानी जो है नुकसान पहुंचा रहे हैं, उन्हें मार रहे हैं, दैट इज द ट्रेजेडी ऑफ द वर्ल्ड। और ये है त्रासदी दुनिया की। कवि बहुत यानी बड़े दृष्टांत, बहुत बड़े रेफरेंस के साथ इस कविता का यानी अंत करता है। प्रोबेबली पोइट वांट्स टू से द लाइट लॉस्ट, दैट मीन्स आर कंपास इज लॉस्ट, आर गाइडेंस इज नो मोर, आर गाइडर इज नो मोर। हमारा यानी पथ प्रदर्शक, हमारा मार्गदर्शक यानी अब कोई नहीं रहा, और हम अंधेरे में खो रहे हैं, कंफ्यूज हो रहे हैं। द सोल सॉल्यूशन ऑफ दिस ट्रेजेडी इज आहा लव, लेट अस लव, दैट इज द सोल सॉल्यूशन ऑफ दिस रेमेडी। इन दिस वे पॉइंट कम्स टू कंक्लूड द टेक्सुअल थीम्स एंड टेक्सुअल अप्रोच ऑफ दिस पोयम। दिस पोयम कम्स टू बी एंड इन दिस वे, दैट इज वेरी फिलोसफिक प्रेगमेटिक एंड इट टीचेज द यूनिवर्सल फिलोसफी। ब्रदरवुड टोटली वेन वी कम टू द सिग्निफाइंग एंड द मैसेज ऑफ दिस पोयम, दैट मीन्स पोइट वॉन्ट्स टू से लेट एस कम अंडर द अम्ब्रेला ऑफ लव, लेट अस कम अंडर द अम्ब्रेला ऑफ लव एंड स्ट्रगल, फाइटिंग इज नॉट द सोल्यूशन ऑफ द वर्ल्ड ट्रेजेडी। वी शुड नो आर ओन रिलेशन एज द बैटल ऑफ महाभारता, इट इज ड्यू टू द कन्फ्यूजन। हाउ ड्यू टू द कन्फ्यूजन, हाउ इन द डार्कलिंग प्लेन द ब्रदर्स आर अगेंस्ट ब्रदर्स, दे आर किलिंग ब्रदर्स, ब्रदर इज किलिंग ब्रदर, सच ट्रेजेडी इज हाईलाइटेड। आई थिंक इट्स इनफ, इट विल बी वेरी हेल्पफुल। एंड बाई कमेंट्स एंड द रेस्पॉन्स यू विल सपोर्ट अस। Then meet you in next video. Thank you for watching.